हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर टेक एडवाइजर। फ्रेंड्स मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी इमेज लेते हैं और सोचते हैं कि इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करके अपने मन के हिसाब से कोई बैकग्राउंड यहाँ पे यूज करूँ तो वो आप कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऐप है बैकग्राउंड इरेजर, ये वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद से आप इसको ऐसे ओपन करेंगे और यहाँ पे ये लोड अ फोटो का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जाइए सीधे अपने गैलरी में और गैलरी से आप अपने कैमरे से खींची गई कोई मनचाही तस्वीर लोड कर लीजिए। देखिए कलर का जो पिक्चर आप लेने वाले हैं उसका बैकग्राउंड आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही कलर में होगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे देखिए ये वाली पिक्चर मेरी है या फिर ये जो की है इसकी जो मैंने पिक्चर ली है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इसको पहले आप क्रॉप करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप कर सकते हैं इसको क्रॉप करिए और उसके बाद से हम यहाँ से डन कर देंगे ऊपर कोने में से। और उसके बाद से यहाँ पे हम ऑटो का जो ऑप्शन आपको स्टार वाला दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद से जो नीचे जो छोटा वाला पॉइंट है उसको पकड़ करके और इधर ला करके और जो इसका सेंटर है, जो इस प्लस का सेंटर है उसको यहाँ पे आप छोड़ दीजिए बैकग्राउंड पे। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐसे बैकग्राउंड को जो है क्लियर करता जाएगा और जहाँ जहाँ आपको ये वॉल दिख रही है वहाँ वहाँ मुझे छोड़ना था और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्लिक में पूरा इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब इसको हम सेव कर देंगे ऐसे, तो ये 2-3 सेकंड का समय लेता है, 5 सेकंड का अधिक से अधिक, और सेव करता है। और इसको इसके बाद से अब आपको इस बैकग्राउंड को इसने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, अब चाहे जिस भी बैकग्राउंड पे आप इसे रखेंगे तो ये उसी बैकग्राउंड में ढल जाएगा। तो जैसा कि एक ऐप आता है इसके लिए भी आपको एक अलग से ऐप डाउनलोड करना होगा, तो मेरे पास है पिक्सल लैब, तो इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये प्लस का आइकन जो कोने में राइट अबव कॉर्नर में, लेफ्ट अबव कॉर्नर में सॉरी, तो वहाँ से आप इसको फ्रॉम गैलरी से क्लिक करके और यहाँ पे आप जा करके ये जो इरेजर नाम का फोल्डर बन जाएगा आपके मोबाइल में और ये वाला आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बैकग्राउंड पे आप इसे ड्रॉप करेंगे और बिल्कुल जादू हो जाएगा, बूम। और यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले आइकन को आप दबाइए और यहाँ आप आ जाइए और यहाँ से बैकग्राउंड का कलर आप जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। क्यों है ना कमाल की क्लिक ट्रिक। तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। तो देखिए इसके बाद से आपने कलर सेलेक्ट कर लिया तो अब ये जो आपके यहाँ पे जो फोल्डर का आइकन दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एज इमेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाता है। अब इससे सिंपल ट्रिक क्या हो सकती है बताइए आप। सिर्फ ये वाला, ये दोनों ऐप्स आपको इंस्टॉल करने हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से और बाकी आपका सारा काम कितनी आसानी से हो जाएगा ये आप देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसको नीचे कमेंट करिए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बाय बाय। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और इस घंटे को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।